वेलकम टू आवर चैनल टेक्नीशियन जी। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। चलिए देखिए, अभी हम लोग डिसकनेक्ट का टर्मिनेशन किए हैं और उसी में से एक पाइप लेके फ्लेक्सिबल के माध्यम से वायर लेके आए हैं। ये वाला वायर अब इसको कनेक्शन करना है हम लोग को HVAC में। तो अभी फ़िलहाल इसमें कनेक्टर लगाना पड़ेगा। चलिए कनेक्टर लगा के फिर कनेक्शन किधर किधर करना है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इसमें कनेक्टर लगाना है, इस होल में फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगा के फिर इसका कनेक्शन किधर करना है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी आप सब देख सकते हैं कि इसको हम इस कनेक्टर में डालेंगे, ठीक है। डाल के अच्छा से टाइट कर देते हैं। फ्लेक्सिबल घुसाने के बाद में इसको हम टाइट करेंगे अच्छा से। देखिए अभी अच्छा से ये टाइट हो गया। अब इसको क्या करना है, इसमें वायर हमारा आया हुआ है येलो, ग्राउंडिंग और न्यूट्रल, इसको कनेक्शन करना है। क्या करते हैं देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये ग्राउंडिंग का है, ये ग्रीन वाला, ये वाला ग्रीन जो है ग्राउंडिंग है, और ये N लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर न्यूट्रल का हो गया, और ये रेड वाला जो है यहाँ पे देखिए FS लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे ही कनेक्शन कर देंगे। इसमें थर्मास्टेट का भी वह दो वायर आया हुआ है। चलिए अभी इसका कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं पहले। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि कनेक्शन जो है वो आपका पूरा हो गया। देखिए न्यूट्रल में दो न्यूट्रल है, थर्मास्टेट को पावर देगा वाला न्यूट्रल है, और ये थर्मास्टेट को फेस देगा वो वाला है एक, और ये डायरेक्ट पैनल से आया उसका है। तो इसी तरह से कनेक्शन होता है इसका। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।